आज के अपने इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्री अजय पिरामल जी अभी एक छोटा प्रेजेंटेशन आप सबके सामने करना चाहते हैं। मैं उनको विनती करता हूं कि वो अपना प्रेजेंटेशन करें। भारत के उपराष्ट्रपति द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड लर्नेड वेंकैया नायडू जी, महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह जी कोश्यारी जी, ऑल द डिग्निटरीज ऑन द डायस एंड इन द ऑडियंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरा आज बहुत सौभाग्य है कि ऐसे माननीय उपराष्ट्रपति की प्रेजेंस में और ये 70 साल जो एबीवीपी के हुए हैं उस अवसर पे ये बोलने का मुझे मौका मिला है। व्हाट इज क्रेडिटेबल इज कि एबीवीपी हैज क्रिएटेड सच अ बिग ग्रुप ऑफ सोशली कॉन्शियस लीडर्स इन द कंट्री, सो वी ओ देम अ बिग डेट के फॉर सो मेनी ईयर्स दे हैव बीन वर्किंग टू गेट लीडरशिप ऑल ओवर द कंट्री। माई प्रेजेंटेशन इज लिटिल बिट ऑन इंडिया एंड वॉट वी कैन डू। अभी प्राइम मिनिस्टर जब इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी, कहा था कि इंडियन इकॉनमी को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाना चाहिए। आज यू विल बी हैप्पी टू नो कि जब इंडिया 2.7 ट्रिलियन इकॉनमी है, आज यूके से आगे बढ़ के चली गई है, और जब 5 ट्रिलियन होगी तो इट विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी काफ़ी हैं। इफ़ यू लुक एट इट, अपने प्रधानमंत्री हैज़ गिवन दैट दे आर 115 districts in the country which are the most backward, and rather than calling them backward, he has said they are the most aspirational. What is important is that in these districts the per capita income jo hai it is ek chauthai of the average, so har social indicator ke liye dekhenge to we are far behind। सो ऐसा देश नहीं हो सकता है कि एक ओर तो एकदम प्रोग्रेस हो लेकिन जो 15-20% जो पॉपुलेशन है वो पिछड़ा रहे। और इसी का मैं कोई आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट बारपेटा है आसाम में। बारपेटा में कई छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वो एक डिस्ट्रिक्ट है। और उधर ये फोटो रियल की है, जो स्कूल वाले बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, इनको 4 घंटा लगती है स्कूल पहुंचने में, क्योंकि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक अगर बाढ़ आती है तो स्कूल नहीं जाते हैं, और 4 घंटा जाने की और 4 घंटा आने की, उसमें कैसे पढ़ाई हो। एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट बहरेच उत्तर प्रदेश में, ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिधर लास्ट क्वार्टर में 13 बच्चे लोग जो लेपर्ड है उनको उठा ले गया। दिस इज़ अ साइन शोइंग हाउ इट इज़ डेंजरस। दिस इज़ द सेम डिस्ट्रिक्ट इधर माइनॉरिटी पॉपुलेशन अबाउट 70% है, जहां टीनेज गर्ल्स, आप 30% ऑफ टीनेज गर्ल्स प्रेग्नेंट हैं आज। तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इंडिया। एक डिस्ट्रिक्ट अराकू वैली है आंध्र प्रदेश में, उधर अगर आपको कोई हट्स में जाना हो तो पहले गाड़ी से जाइए, फिर गाड़ी के लिए रास्ता नहीं है तो 2-व्हीलर से जाइए, फिर 2-व्हीलर भी नहीं जा सकती है, पैदल जाना पड़ता है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ आवर रियल इंडिया। और इसको कैसे वी ब्रिंग अहेड इज़ द थॉट वी हैड, एंड वी वर इंस्पायर्ड बाय व्हाट स्वामी विवेकानंद सेड, गिव मी 100 एनर्जेटिक यंग मैन
and I shall transform India. यही सोच थी हमारे में भी और 2008 में हमने एक फेलोशिप शुरू की उसको गांधी फेलोशिप करते हैं इसमें ये 2-year residential program है for youth between 18 and 26 year old. So they are those who have either done their graduate or postgraduate. 2 years they are with us. And उनका purpose क्या है? To change lives of the most underprivileged in the country through improvement of government schemes by developing in young people the compassion of for communities and government systems. तो ये लोग community में रहते हैं ये community immersion है ये लोग ये जो आप photo देख रहे हैं that is of people who have come from good families they have to go and live with these communities for day and night और government system also they interact with. इसके कारण हम लोग 2008 में ये शुरू किए थे there were 10 fellows Today, I am happy to say that there are 500 fellows which we have recruited in July of this year. And our whole alumni and students are now 1700. So, jo Swami Ji ka tha 100, hum log us bad, abhi population bad gaya hai, so we are also trying to increase the young leaders almost. Not in what ABVP does, but in some small measure. And yeah, this is what gives me the most hope for India. Ke ye 500 ke liye there were more than 11,000 people applied. So 5% of people only were selected. And this is the most challenging 2 years. We don't pay them much, nothing. Yet people want to serve and to India. So this is the future, I think. And you see, this educational background, 18% were from engineering, from some of the best engineering schools, all the IITs, BHU, so many from humanities, the best colleges, Shri Ram College, Jai Hind College, and similarly. So this is where youth wants to give back to the country if they are channeled well. And this is what I thought is really encouraging. Aur iska kya hua hai? We have at least 50, more than 50 plus social entrepreneurs who after having graduated have started their own NGOs, whether it is for development of sports, whether it is for school management committee, women empowerment, and so on. And one of our fellows was also recognized as amongst the top 30 in the country for under 30. So this is the quality jo people are who are coming in here. Aur inse kya hota hai? Ye program tha, jo beti bachao, beti padhao, government ne shuru kiya tha. Ye Jhunjhunu district hai Rajasthan ka, udhar hum log kaam kar rahe the, hamare ye young fellows. और उसमें रिकॉर्ड बना दी कि देश में सबसे ज़्यादा लड़कियाँ जो आउट ऑफ स्कूल थी अब वापस दे केम इनटू स्कूल एंड इनटू गवर्नमेंट स्कूल्स आज ये प्रॉब्लम अपने देश में है कि गवर्नमेंट स्कूल्स विच आर फ्री एंड विच आर एक्चुअली ऑफ हाई क्वालिटी पीपल डोंट वांट टू कम बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ प्रधानमंत्री जी ऑल्सो स्पोक अबाउट इन मन की बात ही विजिटेड झुंझुनू ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम अभी मैं एक आपको जम्मू एंड कश्मीर की कहानी बताता हूँ। आपको तो सभी मालूम है कि आज जम्मू एंड कश्मीर में almost 50% of working days are lost। कुछ भी कारण, you know that। और ये एक मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ आपको। आपको याद होगा कि बुरहन वानी का जब वो जो टेररिस्ट बुरहन वानी था, उसको नॉकआउट कर दिया गया था in 2016। अब उस टाइम वी हैड वन प्रिंसिपल हेडमास्टर ऑफ अ स्कूल इन वन ऑफ द एरियाज ऑफ श्रीनगर जिसके लिए जिसके साथ हम लोग काम कर रहे थे ही वॉज सो वरिड कि उस टाइम में पीपल वर बर्निंग द स्कूल्स दे वर नॉट अलाउिंग चिल्ड्रेन टू कम
पर उसको इतना खराब लगा बिकॉज ही हैड डिवोटेड हिज लाइफ टू हिज स्टूडेंट्स टू हिज स्कूल टू हिज टीचर्स एंड ऑल. So he decided with tears in his eyes that I am going to be here. Main rahunga raat bhar yahan taki koi bhi aake jala nahi jaye. Uske karan uski itni inspiration thi ke the entire staff and faculty decided ke they will take turns and they saved the school. Not only that, community bhi jab uska dekhi, so they started also coming and cooperating. तो इसका यही मैं तो समझता हूँ कि if we all get together, जो issues हैं, whether it is in JNK, whether it is in Barpeta, whether it is in Araku, we can all solve it. इसके लिए now we are fortunate कि इतने सालों में today we have been engaging with 50 lakh students in 50,000 plus schools. With 10,000 officials of the government, 3,700 teachers, 1,000 headmasters, and in 10 states of this country. Similarly, our Swasth, the health program, jo main Araku Valley ki baat kar raha tha, we have been working there with the health officials, aur abhi jo maternal mortality rate thi, which was amongst the 4 times higher than the average of India. Aur aaj agar aap human development index mein dekhenge, to we are ranking 130th. But yeah, also we could do it with hardly, with zero maternal mortality and zero infant mortality. So we are working now, 10 crore lives ab tak impact hui hai. Every day, 42,000 ho rahi hai impact, and we are working in 16 states. So iske baad to I can only just conclude with what Swamiji said again. After so much austerity, I have understood this as the real truth. God is present in every jiva. There is no God besides that. Who serves jiva serves God indeed, the Daridra Narayan. And with this thing that I want to leave you with one geet, which we call Seva Geet, which is our dedication to serve the nation. Kya hua? Sorry. Oh.
हम सभी की तरफ से हम पिरामल फाउंडेशन जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं उसके लिए तालियां बजाकर उनका अभिवादन करेंगे। बहुत ही बढ़िया काम है और हम भी किसी रूप में इस काम में सहभागी हो सकते हैं, इसके ऊपर ज़रूर विचार करेंगे।